हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज के एग्जांपल्स किए थे और वर्कशीट पे से किए थे। ठीक है, आज हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। होप कि आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ हिंट देता हूँ जिसके बेस पर आप वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेवल वन में से। ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है लेवल वन का, वो ये है द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 5 एम्पियर। देखिए, आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से पास होने वाली करंट है 5 एम्पियर। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है चार्ज दैट पासिस थ्रू द कंडक्टर इन 5 मिनट। देखिए, आपको चार्ज फाइंड आउट करना है और टाइम है आपके पास 5 मिनट। स्टूडेंट्स, जो मिनट है ये एसआई यूनिट नहीं है, तो मिनट को आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दो। एसआई यूनिट टाइम का होता है सेकेंड, तो 5 × 60 आएगा कितना, 300 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू क्यू बाई टी और क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो इस फॉर्मूले से आप कंडक्टर में से पास होने वाला जो चार्ज का अमाउंट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज आपके पास गिवन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर जो टू है आपका, उसमें यह कहा गया है कंडक्टर में से पास होने वाली करंट 1 एम्पियर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, इस केस में करंट है 1 एम्पियर, टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड, और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द कंडक्टर। तो देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्यू इक्वल टू एन ई। स्टूडेंट्स, एन ई का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं, एन ई बाई टी। ठीक है, तो एन इक्वल टू होगा आई टी डिवाइडेड बाई ई। स्टूडेंट्स, जो ई है वो इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है हमें पता है, 1 × 1। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो डेटा मिलेगा वो होगा 6.25 × 10⁻¹⁸। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए 1 एम्पियर में पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 × 10⁻¹⁸। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मैक्स 6.25 × 10⁻¹⁵ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आपको मैंने करंट रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए, करंट करंट का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी। 1/T को आप लिख सकते हैं, 1/T को आप लिख सकते हैं एफ। तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा क्यू इंटू एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर जो क्यू है उन्होंने कहा है कि वो इलेक्ट्रॉन है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर एन की वैल्यू 1 दे रखी है। इफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा हम मान के चलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे, तो आई इक्वल टू ई एफ। स्टूडेंट्स, ई की क्या वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹, 6.25 × 10⁻¹⁸।
स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एबो डेटा और आपको यहां पर करंट का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, राइट है, इंटू 6.25, 18 नहीं है स्टूडेंट्स, यहां पर 15 है, सॉरी, आपको जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 6.25 इंटू 10 की पावर 15, और ये आप कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एग्जांपल नंबर हम 4। स्टूडेंट्स जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं एग्जांपल्स के, आप सॉल्व करिएगा घर पे, अगर आपसे फिर भी सॉल्व ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 4, इफ 240 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 4 मिनट, तो आपको करंट फाइंड आउट करनी है। देखिए जो चार्ज है वो है 240 कूलम, टाइम आपको दे रखा है 4 मिनट, एक्चुअली जो मिनट है वो एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 240 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स करंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, तो यहां पर आपको करंट कितनी मिलेगी, 1 एम्पियर, क्योंकि 240 डिवाइडेड बाई 240, यस करंट आएगी 1 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे हम यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 की, ठीक है, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है यहां पर आपसे यह कहा गया है कि हमारे पास जो करंट है वो है 1 माइक्रो एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड क्रॉसिंग द सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, विच इट इज पासिस, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स दे रखा है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है। देखो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला क्या होता है, एन ई बाई टी, ठीक है, तो आप लिख सकते हो एन बाई टी इक्वल टू आई बाई ई, इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, और यही चीज तो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आई बाई ई। तो स्टूडेंट्स आई की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 6, और ई की वैल्यू है 1.6, 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 1 अपॉन 1.6, 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा तो प्लस 19, तो 19 माइनस 6 आपको मिलने वाला है 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 13, ठीक है। तो यहां पर अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करोगे तो 6.25 10 की पावर 12, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपको मिलेंगे यहां पे 6.25 10 की पावर 12। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पर बेस है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। एग्जाम्पल नंबर 6, ए वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो स्टूडेंट्स आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर, मतलब कितना, 1/2 मीटर, ठीक है। एरिया दे रखा है आपको, एरिया कितना है स्टूडेंट्स, 1 mm स्क्वायर, 1 mm का मतलब कितना, 10 की पावर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर, तो आपको एरिया मिलेगा यहां पर 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स करंट सर्किट में पास होने वाले जो करंट है वो आपको कही गई कि 4 एम्पियर है, और जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, देखिए कितना इजी एग्जांपल्स है। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टिविटी ही फाइंड आउट करनी है आपको।
वी इक्वल टू आई आर स्टूडेंट्स, ठीक है, वी बाई यहां पर आप लिख सकते हैं वी बाई आई आर, और आर की जगह पर रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा वी मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई आई इंटू एल। ठीक है, ये जो रो है ना इसी को हम रजिस्टिविटी कहते हैं। तो देखिए वी की वैल्यू कितनी है, टू, एरिया है आपके पास 10 की पावर -6, करंट आपको दे रखी है 4 एम्पियर, लेंथ है 1/2, तो 1/2 कहां जाएगा ऊपर, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें कैंसल हो जाएंगी, तो आपको रजिस्टिविटी मिलेगी 10 की पावर -6, ठीक है, 10 की पावर -6, जो कि क्या होने वाला है, ये होगा ओम मीटर, ओम मीटर, स्टूडेंट्स आपका यहां पर कोई भी आंसर इससे मैच नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। स्टूडेंट्स आपका आंसर आपके ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए फिर से एक बार क्रॉस एक्स चेक करेंगे हम। यहां पर लेंथ है 50 सेंटीमीटर, एरिया है 10 की पावर -6 मीटर, करंट है 4 एम्पियर, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है वो 2 वोल्ट की बैटरी है, हमने यहां पर ओम्स लॉ यूज किया, V इक्वल टू आई आर, V डिवाइडेड बाई आई, रो एल बाई ए राइट है, रो इक्वल टू होगा V इंटू ए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि आपका ऑप्शंस प्रॉब्लम हो, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे और घर पे आप एक बार फिर से क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा एग्जांपल नंबर 6 को, ठीक है। अभी कॉपर का वायर है एग्जांपल नंबर 7 में, उसका एरिया आपको गिवन है स्टूडेंट्स, एरिया आपको दे रखा है 2 mm square, मतलब 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, रजिस्टिविटी भी गिवन है, रो, रो की वैल्यू है 1.7 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है, करंट है I इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कॉपर वायर। देखिए ध्यान से यहां पर फिर से एक बार V इक्वल टू आई आर, ठीक है स्टूडेंट्स, V I रो L बाई A, अगर स्टूडेंट्स आप L से इसको डिवाइड कर दो तो V बाई L हो जाएगा और ये होगा I बाई A इंटू रो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको स्टूडेंट्स, यहां पर V बाई L को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि V बाई L को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा I बाई ए इंटू रो, तो स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यू पुटअप करके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखिए I कितना है आपका 1, रेजिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, एरिया है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -6, अगर हम 2 से 1.7 को डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए अगर इसका एक डेसिमल मैं यहां से शिफ्ट कर दूं तो यहां पे आ जाएगा 10, ठीक है, 2 से 17 को डिवाइड किया मतलब 8.5, 10 की पावर -5, ठीक है, -5 ऊपर जाएगा तो यहां पे हो जाएगा -3, है ना, तो आप लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 8.5 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स आप देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट डायमीटर, ठीक है, सेम मटेरियल के हैं बट डिफरेंट डायमीटर, कैरीज द सेम करंट इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर 2:1,
देन क्रॉस बेंडिंग टू रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए स्टूडेंट्स पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। यहां पे डायामीटर की बात करते हैं, डी वन बाई डी टू ये आपको दे रखा है, 1/2 सेम मटेरियल है, मतलब रो वन इक्वल टू रो टू, ये चीज सेम होने वाली है, ठीक है। दोनों में करंट भी सेम है, आई वन इक्वल टू आई टू, ठीक। अब आपको फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि वी डी वन और वी डी टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट सबसे पहली बात, मैंने आपको करंट का फॉर्मूला बताया था कुछ इस तरीके से, आपको ध्यान से देखना है, एन ई ए एल बाई टी, ठीक है। स्टूडेंट्स एल बाई टी को हमने क्या लिख लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे इस एग्जांपल्स में दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं, तो इसका मतलब उनकी करंट डेंसिटी भी सेम होगी। एक्चुअली करंट डेंसिटी की बात सेम नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर दोनों के डायमीटर डिफरेंट है, उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी जो कि हमने ऑलरेडी यहां पर लिख लिया है। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। स्टूडेंट्स एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई बाई 4 d2। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर, तो आप लिख सकते हैं यहां पर वी डी वन वी डी टू डी टू अपॉन डी वन का स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स डी टू अपॉन डी वन कितना होगा, डी टू अपॉन डी वन होगा 2 अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, तो वी डी वन वी डी टू और ये होगा 2 का स्क्वायर, रिजल्ट आएगा 4, तो आपका रेशियो क्या बनेगा, 4:1 है ना, वी डी वन और वी डी टू 4:1, यानी आपका आंसर होने वाला है ए। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है वो कुछ इस तरीके से है कि करंट है 4 एम्पियर। चलिए इसको पहले क्लीन कर लेते हैं और देन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, करंट है 4 एम्पियर पासिंग थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स आई I इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास, यानी कि V V इक्वल टू है 10 वोल्ट। स्टूडेंट्स देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ठीक है, और V अपॉन I इक्वल टू R। स्टूडेंट इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, बट हमें फाइंड आउट करना है कंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कंडक्टेंस इक्वल टू आई बाई वी, और आई की वैल्यू है 4, वी की वैल्यू है 10, तो आपको मिलेगा 0.4, ठीक है 0.4। और जो कंडक्टेंस होता है उसका जो यूनिट है वो सीमेन है ना, क्या है सीमेन, तो यानी आपको मिलने वाला है 0.4 सीमेन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, इजी एग्जाम्पल से ये भी, एन इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन 230 वोल्ट, ठीक है, करंट रोज करता है 0.1 एम्पियर, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ये कितना इजी एग्जाम्पल है, वी इक्वल टू आई आर और आर इक्वल टू वी बाई आई, 230 डिवाइडेड बाई 0.1 ये हो जाएगा 2300 ओम। बहुत इजी एग्जाम्पल था ये। एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे स्टूडेंट्स, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 110 वोल्ट एग्जिस्ट
अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर हुज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू 5.5 ओम। चलिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी एग्जांपल है। चलिए तो इजी इजी एग्जांपल सारे इनको आप कर सकते थे। रेजिस्टेंस है 5.5 ओम, ठीक है। करंट होगा वी बाई आर, यानी 110 डिवाइडेड बाई 5.5, यानी कि अगर एक डेसिमल में यहां पे हटा दूं तो ये हो जाएगा 1100, और 11 से अगर इसको डिवाइड किया तो ये 100 आएगा और ये होगा 5, और करंट हो जाएगी 20 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। बच्चे जैसे एग्जाम्पल थे ये। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर आपका 12। रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसकी जिसके रज जिसकी लेंथ है 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 मीटर। रेडियस गिवन है 7 × 10⁻³ सेंटीमीटर। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 7 × 10⁵ मीटर, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल है। इसी चीज को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी और कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा, रो एल बाई ए, ठीक है। और रो इक्वल टू होगा आर इंटू ए बाई एल, और ए की जगह पर आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। वैल्यूज को पुट अप करके आप रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 13। ए मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम स्ट्रेच अंटिल इट्स लेंथ इज डबल। देखिए, आपको आर वन गिवन है 20 ओम। स्टूडेंट, आपसे ये कहा जाता है कि इस वायर को मुझे स्ट्रेच करना है, ठीक है, जिसकी लेंथ जब तक डबल ना हो जाए। यानी एल वन की जो वैल्यू है वो मान लीजिए एल है, और जो एल टू है आपका वो 2L है, और आपसे पूछा गया है कि आर टू कितना होगा। देखो स्टूडेंट्स, जो आपकी रजिस्टिविटी होती है रो वन और रो टू ऑलवेज सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टिविटी है डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई एक मेटल था, जैसे एज ए एग्जाम्पल कॉपर का एक वायर था मेरे पास, और स्टूडेंट्स मैंने उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स कर दिया, लेकिन वो वायर कॉपर का है तो कॉपर का ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उस वायर को स्ट्रेच करने लगो तो कॉपर का वायर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी स्ट्रेच वायर की वो सेम रहेगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मतलब आर वन अपॉन आर टू, रजिस्टिविटी सेम रहेगी, मतलब कॉन्स्टेंट है वो। तो आपको मिलेगा एल वन अपॉन एल टू और ए वन बाई ए टू, क्योंकि रजिस्टेंस का रिलेशन एरिया के साथ कैसा है स्टूडेंट्स? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एल वन बाई एल टू मल्टीप्लाई ए वन बाई ए टू, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, आपको कहा गया है कि एल वन बाई एल टू आपको पता है कितना होगा। एल वन बाई एल टू एल बाई 2L, और रिजल्ट आएगा 1/2। स्टूडेंट्स, मैंने सही लिखा? आपकी फाइनल लेंथ क्या कर दी गई है? डबल कर दी गई है, राइट है। तो ये होने वाला है L1 बाई L2।
L1 की वैल्यू L, L2 की वैल्यू 2, L, L से L कैंसिल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये वाला रेशियो तो हमारे पास है ही नहीं A2 और A1 का, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कंसेप्ट के लिए कि आपका इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनिशियल वॉल्यूम क्या था आपका, A1 L1 A2 L2, एरिया इंटू लेंथ मतलब क्या वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ मतलब वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा A2 बाई A1 इक्वल टू L1 बाई L2। क्या मेरी बात समझ पा रहे, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, L2 इधर आया यानी L1 बाई L2 हो गया, A1 यहां गया तो A2 बाई A1 हो गया। स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करो यहां पे, L1 बाई L2 मल्टीप्लाई A2 बाई A1 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं L1 बाई L2। ये वाला रेशियो आपके पास है मतलब 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 बाई 4। तो R2 कितना होगा, R2 होगा 4R1, तो R2 की वैल्यू कितनी होगी 4, R1 कितना है आपके पास 20, मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा 80 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, कोई ज्यादा कंसेप्ट यहां पर है नहीं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 14। स्टूडेंट्स जो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है इस पे ये कहा गया द लेंथ ऑफ टू वायर्स मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखिए सेम मटेरियल के हैं, 1 मीटर एंड 1 मीटर, 2 मीटर एंड 1 मीटर, देयर रेडियस आर 1 mm एंड 2 mm, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स इस केस में आपसे पूछा गया है कि Rho1 एंड Rho2 कितना होगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू गिवन एग्जाम्पल आपसे ये कहा गया है कि वहां पर जो दो वायर यूज किए गए हैं वो सेम मटेरियल के हैं। अगर स्टूडेंट सेम मटेरियल के वायर हैं तो उनका Rho1 और Rho2 दोनों सेम होगा, तो इसका मतलब है कि Rho1 बाई Rho2 इक्वल टू 1, तो आपका आंसर होने वाला है 1 बाई 1 रेस्ट टू 1। जस्ट कंसेप्ट बेस्ड था, आपको रेडियस और वायर के डेटा दे रखे हैं, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर दे रखा है, रेडियस ऑफ वायर दे रखा है, स्टूडेंट्स जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है वो, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहां पर हम, आपका जो एग्जांपल नंबर है ये 14 था स्टूडेंट्स, अब देखेंगे मैं एग्जाम्पल नंबर 15। द लीस्ट रजिस्टेंस दैट वन कैन हैव फ्रॉम सिक्स रजिस्ट, देखो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास 6 रजिस्टेंस है 0.1 ओम के, नंबर उनके हैं 6 और आपको फाइंड आउट करना है लीस्ट रेजिस्टेंस। इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब होता है बहुत ही कम वैल्यू। इसमें से आप इन रेजिस्टेंस को, इन 6 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि आपको लीस्ट वैल्यू मिले, आपका जो इक्वेलेंट आए वो कम आए। देखो स्टूडेंट्स जब आप सीरीज में कनेक्शन करते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, तो इस केस में जो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और अगर सर्किट पैरेलल में कनेक्ट हो तो वहां पर जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कम होता है, मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लेस देन होगा
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे तो अगर आपको लीस्ट डेटा फाइंड आउट करने हैं तो मस्ट बी सर्किट कनेक्टेड इन पैरेलल। सर्किट को कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? पैरेलल। और अगर आप पैरेलल कनेक्शन करते हो तो 1/0 आप ऐसे लिखेंगे, 1/R + 1/R कहां तक जाना है? ये 6 टाइम तक। तो आपको मिलेगा 6/R, मतलब कि RP इक्वल टू हो जाएगा R/6, 0.1/6। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 0. चलिए मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं क्या रिजल्ट आने वाला है। 0.1/6। देखिए आपको रिजल्ट मिलेगा 0.0167 ओम। चलिए अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ठीक है, मैं फटाफट लिख देता हूं यहां पे गिवन डेटा, रेजिस्टेंस है 10 ओम। नाउ कट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड ऑल ऑफ देम आर ट्विस्टेड। देखो स्टूडेंट्स, यस 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। आप उसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट करते हो। व्हेन वायर कट इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, अगर आप वायर को 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दो तो आप देखोगे लेंथ ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वन पार्ट वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अगर आप 100 सेंटीमीटर का एक वायर है उसको आप 10 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की लेंथ कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट्स पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम। तो आप देखेंगे यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ वन पार्ट, तो स्टूडेंट एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वायर को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो 100 सेंटीमीटर का एक वायर है तो उसकी लेंथ कितनी बचेगी? एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। अब स्टूडेंट्स आपसे यह कहा जा रहा है कि ये 10 इक्वल पार्ट्स के जो रेजिस्टेंस हैं उसको आप ट्विस्ट करके एक सिंगल बंडल बना देते हो। ट्विस्ट करना मतलब, ट्विस्ट करने का मतलब होगा इस केस में, ट्विस्टेड करने का मतलब होगा इस केस में कि आपने सभी रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट कर दिए। कैसे कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स आपने? पैरेलल। तो इसका मतलब यहां पर होने वाला है 1/RP, ठीक है, 1/1 + 1/1, और ऐसे कहां तक जाना है? 10 टाइम तक जाना है, 10 टाइम तक। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 ओम के कितने रेजिस्टेंस हो गए? 10 रेजिस्टेंस, और सभी कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो आपको मिलेगा 1/RP = 10, क्योंकि 1 + 1 + 1 + कितने टाइम? 10 टाइम्स। तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10। तो आरपी कितना आएगा? 0.1 ओम। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 17। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हुज लेंथ इज ट्वाइस एंड रेडियस इज हाफ इफ इट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखो स्टूडेंट, सेम मटेरियल जब भी लिखा आ जाए आपको समझ जाना है कि उनकी रेजिस्टिविटी सेम है। स्टूडेंट्स ये भी इजी एग्जांपल है, देखिए R1 आपको दे रखा है 10 ओम, लेंथ लेंथ कितनी है? L1 = L,
तो L2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? L2 हो गया, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, यानी कि 2L। रेडियस, रेडियस जो कि R1 इक्वल टू R है वो हो गया R2 इक्वल टू R/2। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम मटेरियल के हैं, मतलब रो 1 इक्वल टू रो 2 और R2 आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था। ये एग्जांपल है आपका 17। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला थोड़ी देर पहले लिखाया था, L1 अपॉन L2 A2 बाई A1। लास्ट किसी भी एक एग्जांपल में मैंने आपको इस तरीके से लिखवा दिया था। तो यहां पर होने वाला है R1 बाई R2, L1 बाई L2। एरिया का फॉर्मूला होता है, वायर में एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। तो आपको यहां मिलेगा पाई से पाई कैंसिल होने के बाद R2 बाई R1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये आपको मिलेगा L बाई 2L। R2 की वैल्यू होगी R/2 इंटू R, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, इसका स्क्वायर। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा 1/8। तो R2 कितना मिलेगा? R2 इक्वल टू होगा 8R1 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 80 ओम। यस, आपका आंसर होगा 80 ओम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 18। देखो स्टूडेंट्स यहां पर भी सेम मटेरियल कहा गया है आपसे और लेंथ का रेशियो दे रखा है, एरिया का रेशियो दे रखा है आपको, रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आपको आंसर मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 18 का। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 19 है और एग्जाम्पल नंबर 20, दोनों ही एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी के बेस पर एग्जाम्पल है, परम्यूटेशन और कम्यूटेशन के बेस पर। जब आप मैथ में ये वाले टर्म्स आप स्टडी कर लोगे, मैथमेटिकल टूल्स में से जब आपको पढ़ा देंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 आपको इजी लगने लगेगा और ये एग्जाम्पल मैं आपको तब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए आपको घर पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और होप कि आज के सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, आगे के जो भी एग्जाम्पल्स हैं मैं उनको कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके बाय।